हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बाय संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म। एनसीईआरटी बायोलॉजी के अंतर्गत हम प्लांट फैमिली डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम पांच फैमिली जब वो डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंतर्गत आप एक एक करके, मैं सभी फैमिली है उसके एक प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दी, उसमें आप सभी देख लेना, जिसमें लीलिएसी फैमिली हम डिस्कस कर चुके हैं, ब्रेसिकेसी डिस्कस कर चुके हैं, इसके अलावा हम बात करें मालवेसी, सोलेनेसी, ये सभी फैमिली है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में जो सिक्स नंबर पे फैमिली आती है वो कुकरबिटेसी। कुकरबिटेसी फैमिली को आज इस लेक्चर के अंतर्गत हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक नोट्स पैटर्न के अंदर हमने कंप्लीट जो लेक्चर है वो तैयार किया है, और इसे हम गॉड्स फैमिली भी कहा जा सकता है। जैसे आपने नाम सुना होगा तरबूज, ककड़ी नाम सुना होगा, मारवाड़ी में कहाँ पा ककड़ी नाम सुना होगा, तरबूज है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अलग अलग नाम दे रखे हैं, वाटर स्क्वैश, बीटर गॉर्ड, ये जो करेला होता है उसकी हम बात करें तो ये जो होते हैं जो खेतों में हम सामान्यतः देखते हैं, जिसके अंदर तरबूज है, मतीरा जिसे हम कह देते हैं, ककड़ी जिसे हम कहते हैं, कुकुम्बर है, करेला है, ये सभी जो फैमिली आती है वो सभी कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आती है। तो आज इन फैमिलीज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लेक्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस लेक्चर को अच्छे से आप देखना, और एक बार देखने के बाद पता आपको चल जाएगा कितना का हमें याद हुआ है, और इसके अंत में इस फैमिली का आर्थिक महत्व क्या है वो भी हम डिस्कस करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है वो कुकरबिटेसी फैमिली, यानी कि कुकरबिटेसी कुल, जिसे गॉड्स फैमिली भी कहते हैं। इसकी सिस्टमेटिक पोजिशन देखें तो क्लास वर्ग कौन सा आ जाएगा, तो एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं ये, और ये द्विबीजपत्री पादप के वर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं, डाइकोटिलेडन्स। उपवर्ग सब क्लास की बात करें तो संयुक्त दली होते हैं ये, गेमोपेटल्स होते हैं। सीरीज हो जाएगी केलेसी फेलोरी सीरीज हो जाएगी, और गण ऑर्डर हो जाएगा पेसी फ्लेरेल्स। कुल है, कुल की हम बात करें फैमिली कुकरबिटेसी हो जाएगी फैमिली, ये इसकी सिस्टमेटिक पोजिशन है। कुकरबिटेसी कुल के विभेदात्मक लक्षणों की हम बात करें तो जिसमें सबसे पहले तने की बात करें तो तना इसका पंचकोणीय होता है। आप इनका तना देखना, जैसे आप काचरे की जो बेल देखते ना, बेल होती है सामान्यतः जमीन पर रेंगते हुए चलते हैं, उसका तना देखना आपको पंचकोणीय देखने को मिलेगा। या फिर आप तरबूज का जो पादप होता है या बेल बोलते हैं सामान्यतः, इसको लता बोल सकते हैं हम, तो उसका जो पेड़ तना है वो देखना, वो भी आपको पंचकोणीय देखने को मिलेगा। शाखित होता है, उभयफ्लोएमी होता है, उभयफ्लोएमी मतलब जो जाइलम होता है उसके दोनों ओर आपको जाइलम के दोनों ओर आपको क्या मिलेगा, फ्लोएम देखने को मिलता है। जब सेवन पुल की हम बात करें तो सेवन पुल के दो चक्कर होते हैं, और पुष्पक्रम जो कि इंपॉर्टेंट लक्षण है, एकल कक्षस्थ होता है। कभी कभी ये ससिमाक्स गुच्छ के रूप में भी पाया जाता है, लेकिन सामान्यतः एकल कक्षस्थ या सोलिटरी एक्जिलरी होता है। कहने का मतलब है अगर ये कोई शाखा है, थोड़ा सा हम इसको मोटा कर लेते हैं, ये कलर देते हैं, ये कोई शाखा है तो ये शाखा से यहाँ से अगर कोई पत्ती निकल रही है तो पुष्प जो निकलेगा इस शाखा से यहाँ से रिलीज होगा, ये कलर दे देते हैं। तो ये जो पुष्प निकलेगा ना, तो इसकी कक्षस्थ से निकलेगा, जो पत्ती निकल रही है इसकी कक्षा से पुष्प निकलेगा, तो एकल कक्षस्थ प्रकार का पुष्प हमें इसमें देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये वाला, ये पुष्प देखिए, देखिए कहाँ से निकल रहा है, ये जो इधर पत्ती निकल गई, इधर शाखा चली गई, और यहाँ से कक्षस्थ से यहाँ पे पुष्प निकल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये इधर पत्ती की पत्ती निकल गई और ये आपकी शाखा है, और इस शाखा से ये पुष्प हो गया। तो कक्षस्थ ससिमाक्स प्रकार का पुष्प हमें इसमें देखने को मिलता। पुष्प के सामान्य लक्षणों की हम बात करें, पुष्प जो होता है ये असहपत्री होता है, मतलब इसमें क्या होते हैं, सहपत्र नहीं पाए जाते हैं, सहवरंत होते हैं, वरंत उपस्थित होते हैं लेकिन सहपत्र नहीं होते हैं। अधिकांश पादप उभयलिंगी होते हैं, मोनोसेस होते हैं। उभयलिंग का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल पुष्प है वो देखने को मिलते हैं पादप, मेल और फीमेल पुष्प, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे पादप भी होते हैं उसमें क्या होते हैं, एकलिंगी पुष्प भी देखने को मिल सकते हैं, और वो कैसे होते हैं, अपूर्ण होते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। उभयलिंगी पुष्प यानी कि एक तो द्विलिंगी होता है, उसमें दोनों मेल और फीमेल एक ही पुष्प के अंतर्गत पाए जाते हैं। उभयलिंगी मोनोसेस है, सेम वही चीज है, लेकिन इसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, अलग अलग पादपों के अंदर मेल और फीमेल पुष्प देखने को मिलते हैं। मान लीजिए कोई यह पादप है और इसमें मेल और फीमेल दोनों पुष्प है, ये कोई फूल है, पुष्प है इसमें, और मेल और फीमेल दोनों उपस्थित है, तो इसमें अगर मेल पुष्प होगा तो इसमें फीमेल स्टेराइल मिलेगा, ठीक है।
अगर फीमेल पुष्प होगा तो आपको मेल स्टेराइल मिलेगा, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एकलिंगी पुष्प भी इसमें होते हैं, त्रिज्या सममित एक्टिनोमोर्फिक होते हैं। एक्टिनोमोर्फिक का मतलब क्या होता है, इसके एक जो एक्सिस होता है यहां से हम इसको किसी भी तल से काट सकते हैं, तो त्रिज्या सममित होते हैं। जायांगोपरिक या एपिगाइनस प्रकार के पुष्प होते हैं, ये इंपोर्टेंट टर्म है। इसमें होता क्या, देखिए एपिगाइनस फ्लोर जो होते हैं, जायांगोपरिक जो होते हैं, इनके सभी जितने भी फ्लोर चक्र होते हैं या पुष्प के जितने भी चक्र होते हैं, वो सभी चक्र हमारे जो अंडाशय होता है इसके ऊपर से निकलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीच में अंडाशय हो गया और इसके ऊपर से ये देखिए आपका बाह्य दल हो गया, इसके बाद में ये दल हो गया, दलपुंज जिसे हम कहते हैं, इसके बाद में ये एंड्रोसियम है, ठीक है। तो जितने भी पुष्प के चक्र होते हैं वो सभी अंडाशय से ऊपर से निकलते हैं, तो वो हो जाएगा जायांगोपरिक या एपिगाइनस। पंचतयी पेंटामेरस प्रकार का पुष्प होता है, यानी कि पुष्प में पंखुड़ियां जिसे हम कहते हैं, दल जिसे कहते हैं, इनकी संख्या 5 होती है। देखिए ये जो पुष्प होता है ये कुकुम्बर का ही है, 1, 2, 3, 4 और 5 देख सकते हैं आप। तो ये होती है 5 या पंचतयी पुष्प से कहा जा सकता। देखिए आगे बाह्य दलपुंज की हम बात करें, यानी कि कैलिक्स, कैलिक्स है ये संयुक्त होते हैं, सेपल्स जिसे सामान्य कहा जाता है, इनकी संख्या 5 होती है। यहाँ पर इनकी संख्या 5 होती है, देख सकते हैं। देखिए इन पुष्प में दिखाया नहीं गया, लेकिन फिर भी आप ये जो पुष्प होता ना, उन पुष्प के अंदर इनकी संख्या आपको कितने देखने को मिलेगी, 5 देखने को मिले, याद रख लेना आप लोग, ठीक है। ये रहा देखिए 1, 2, 3, 4, 5 5 होते हैं और 5 संयुक्त होते हैं, ये ध्यान में रख लेना। 5 विन्यास जो होता है ये कोर स्पर्शी होता है, वोल्वेट प्रकार का, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या, देखिए ये कई बार बता चुका हूं आपको, कोर स्पर्शी, कोर का मतलब किनारा, स्पर्श का मतलब स्पर्श करता है, ऐसा पुष्प, ऐसा विन्यास, पुष्पदल विन्यास, जिसके अंतर्गत जो दल होते हैं ना, या फिर बाह्य दल जो होते हैं जिन्हें हम सेपल्स कहते हैं, ये जो दल होते हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे को केवल स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को क्या होते हैं, ढकते नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से जैसे यहां पर देख सकते हैं, और ये स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, जिसमें यहां पर देख सकते हैं आप केवल टच कर रहे हैं, इनको एक दूसरे को ढकते नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं दलपुंज यानी कि कोरोला की, ये तो आ गया आपका बाह्य दलपुंज। कोरोला की बात करें तो इनकी संख्या भी 5 होती है, संयुक्त दली होते हैं, मतलब आपस में जुड़े हुए होते हैं, विन्यास इनमें कोर स्पर्शी या कुछ में कोर छादी भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से अधिकांश तया एक कोर स्पर्शी प्रकार का विन्यास इनमें भी पाया जाता है, दल दलपुंज के अंदर भी आपको कौन सा, वोल्वेट या कोर स्पर्शी पुष्प दल विन्यास देखने को मिलता है। यहां पर देखिए दल पुंज कहां पर, तो ये देखिए ये क्या है, ये पेटल्स है, यहां पर देख सकते हैं आप, ये रहा ये पेटल्स है। अब यहां पर हम पुष्प की हम बात करें, ये तो आपके हो गए कोरोला और ये कैलिक्स, एक मिनट, कैलिक्स, ठीक है। देखिए आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, ये जो देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 5 होती है इनकी संख्या, और ये जो 5 होते हैं आपस में संयुक्त होते हैं, और वे विन्यास कौन सा होता है, कोर स्पर्शी होता है, ये चीज ध्यान में रख लेना। ये पुष्प के द्वारा आप पूरी चीज समझ सकते हैं, यहां पर मैं साथ साथ में आपको समझाता हुआ भी चल रहा हूं, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं आपको वहां पे बता दूं। आगे देखिए आप बात करते हैं दलपुंज की, दलपुंज सॉरी पुमंग की, एंड्रोसियम की बात करते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। पुंकेसर की संख्या इनमें 5 होती है, 4 जोड़े में होते हैं, मतलब 2+2 4 जोड़े में हो गए ना, 2 ये और 2 ये और +1 ये स्थिति इनमें देखने को मिलती है। 3 समूह ससंजन दर्शाते हैं, 2+2+1 ये स्थिति होती है, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें देखिए एपिस्टिलेटेड ये स्टेमन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्पष्ट देखने में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ लेकर के चलता हूँ, इसमें देखते हैं।
यहाँ पर देखिए ये वाला जो पुष्प है और ये दोनों है, इनमें दो होते हैं, दो यहाँ होते हैं और ये बीच में दिखाया इसमें एक होता है, टोटल ये पांच होते हैं। आगे ये हुआ पुष्प, मेल फ्लोर है, तो मेल फ्लोर में मिलेंगे स्टेमन। और देखिए कौन सी पुष्प में आपको स्टेमन देखने को मिलते हैं, ये रहा एंड्रोशियम। ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं आगे वाले, इसमें क्या होते हैं, दो इसमें होते हैं, दो इसमें होते हैं, लेकिन ये जो बीच वाला होता है इसमें एक होता है। टोटल इस प्रकार से पांच आपको स्टेमन या पुंकेसर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं तीन समूह में होते हैं पुंकेसर की हमने बात के लिए। यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये रहा स्टेमन फ्लोवर, यानी कि जो पुंकेसर फ्लोर होता है, पुंकेसर पुष्प जो होता है, जो कि हम बोल सकते हैं मेल फ्लोवर जिसे हम कहते हैं, मेल फ्लोवर जो होता है उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है। ये आपका पिस्टिलेटेड हो गया, फीमेल फ्लोवर हो जाएगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए। जो लास्ट में फॉर्मूला है वो लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी हम गाइनोशियम की बात कर लेते हैं। जयामुखी थ्री एंड पी, या तो ट्राइकार्पलरी होगा और ट्राइकार्पलरी के साथ में क्या होगा, युक्तांडपी होगा, ये भी याद रख लेना। तीन थ्री अंडपी होगा और थ्री अंडपी के साथ में ये थ्री अंडप कैसे होंगे, संयुक्त होंगे, सिनकार्पस होंगे, युक्तांडपी होंगे। अंडाशय जो होता है ये एकोष्ठी होता है, यूनिलोक्युलर होता है। ठीक है, अंडाशय अधोवर्ती होता है, इन्फीरियर ओवरी होता है, अभी मैंने बताया था जायांगोपरिक, जायांगोपरिक पुष्प होता है। ठीक है, जायांगोपरिक पुष्प के अंदर अंडाशय की स्थिति अधोवर्ती होती है, इन्फीरियर ओवरी होती है, वर्तिका एक होती है, या फिर हम बात करते हैं वर्तिका तीन या शाखित होती है, या तो एक होगी और या फिर यह स्थिति होगी कि उसमें वर्तिका, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज बता दिया मैंने, वर्तिका तो एक ही होती है लेकिन वर्तिकागत जैसे आप देखते हैं ना इस प्रकार से, आप इस प्रकार की, थोड़ा सा क्या है मैंने जल्दी में बता दिया, ये इस प्रकार की कंडीशन होती है, ये बीच में अंडाशय हो गया, ये स्टाइल हो गया जिसे हम वर्तिका कहते हैं, वर्तिका, और ये ऊपर वाला वर्तिकागत हो गया। तो इसमें जो वर्तिका होती है इनकी संख्या तो एक ही होती है, लेकिन वर्तिकाग्र कितने होते हैं, तीन होते हैं, शाखित होते हैं। ये बीजांडन्यास जो होता है प्लेसेंटेशन, ये भित्तीय होता है, पैरेंटल प्रकार का बीजांडन्यास देखने को मिलता है लेकिन फुला हुआ होता है, इस कारण ये स्तंभी बीजांडन्यास जैसा नजर आता है। नर पुष्प जो होते हैं उसमें जायांग नहीं होता है, बंदे जो होते हैं इनमें स्त्रीकेसर उपस्थित होता है, बंदे पुष्प के अंदर स्त्रीकेसर पाया जाता है। अब देखिए इनमें इसको समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर अब जब हम इसकी बात करें गायनोशियम की, तो यहाँ पर गायनोशियम देख सकते हैं आप लोग, ये रहा गायनोशियम और इसमें आपका जो वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिका जो होती है, ये वर्तिका, ये तो एक ही होती है संख्या में, लेकिन वर्तिकाग्र देखिए तीन हो गई ऊपर की ओर, एक ये और एक ये, तीन भागों में बट गई, शाखित हो गई, तो ये तीन वर्तिकाग्र होती है और एक वर्तिका होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और अंडाशय की हमने बात कर ली, अंडाशय अधोवर्ती होता है और इसमें कोष्ठ कितने होते हैं, कोष्ठ की संख्या हम बात करें तो कोष्ठ अभी एक कोष्ठी होता है, सामान्यतया एक कोष्ठी होता है। और ये देखिए ओवल्स आप देख सकते हैं, कोष्ठक एक होता है लेकिन ओवल्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं, ओवल्स हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं। और मुख्य रूप से ये त्री अंडपी होता है, त्री अंडपी, त्री अंडप कैसे देख सकते हैं आप, एक अंडप ये रहा, ठीक है, एक अंडप ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, तीन हो गए ना, एक दो और तीन, त्री एंड भी हो गए। और इसमें बीजांड देख सकते हैं, ये वाला लोकुल्स, ये टीएस स्ट्रक्चर होगी ओवेरी की। तो ये चीज आप समझ लेना, इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर भी देख सकते हैं, देखिए त्री एंड एक दो और तीन, ठीक है, और जैसे हम बाहर से बनाए तो इस प्रकार की स्थिति बनती है। ये स्थिति बनती है और यहाँ पर देखें तो इसमें भी दो भाग बट जाते हैं, यहाँ पर ऐसे भीतर भित्ति के ऊपर एंडअप लगे रहते हैं इस प्रकार से, तो बीचीय बीजांडन्यास होता है ना, तो भित्ति के ऊपर एंडअप उपस्थित होते हैं, दूसरा कलर ले लो, थोड़ा सा आपको देखने में जरूर, चलो स्पष्ट रूप से बना देते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। मैं क्या कर रहा, थोड़ा जल्दी कर रहा था कि टाइम भी आपका बच जाए और अच्छा सा समझ में भी आ जाए। ये देखिए ये डायग्राम बनाया हमने,
और यहां पर हम इसको क्या कर देते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड, एक दो, तो एक ये हो जाएगा, ये थ्री एंड भी हो गया, ठीक है। और इसके अंतर्गत हम बात करें तो यहाँ पर ये भित्ति के ऊपर लगे हुए बीजांड पाए जाते हैं, भित्ति पे लगे हुए क्या होते हैं, बीजांड पाए जाते हैं, इसीलिए तो बीजांड श्याम, बीजांड जो प्लेसेंटेशन होता है बीजांडन्यास ये कैसा होता है, भित्तीय बीजांडन्यास होता है, ये देख सकते हैं इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो चीज यहाँ पे समझाने वाली थी इसमें मैंने बता दिया, त्रि एंड पी युक्तांड पी अंडाशय एक कोष्ठीय अधोवर्ती होता है, वर्तिका एक वर्तिका का तीन, बीजांडन्यास भित्ति होता है, और नर पुष्प में जायांग नहीं होते, और जो बंदे पुष्प होते हैं उनमें स्त्री केसर पाया जाता है। फल की हम बात करें तो पेप्पो नामक फल इसमें देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पर ये रहे फल, ये इन फलों को क्या कहते हैं, पेप्पे फल कह देते हैं, और ये बीज भी देख सकते हैं आप, इसका बीज भी देख सकते हैं, पेप्पो फल होता है जो कि कसेला होता है स्वाद में, ये कसेला किस कारण से होता है, ट्रेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपिन्स, ट्रेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपिन्स के कारण कैसा होता है, कसेला होता है स्वाद में। पुष्प सूत्र की हम बात करें, फ्लोरल फॉर्मूला, नर पुष्प जो होता है मेल फ्लोवर और बंदे पुष्प ये दोनों ही हैं, और यहाँ पर हमें दो पुष्प ये देखने को मिलते हैं, इनकी हम बात कर लेते हैं। बंदे पुष्प या स्टेरिल पुष्प को हम फीमेल फ्लोवर भी कह देते हैं, फीमेल फ्लोवर ये याद रख लेना, इसको फीमेल फ्लोवर कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ईबीआर, ईबीआर का मतलब क्या होता है कि इसमें सहपत्र विहीन होता है, सहपत्र नहीं होता है, ए प्लस के चारों ओर गोला बना दिया तो ये क्या हो गया, त्रिज्या सममित हो गया, और इसका मतलब क्या होता है, ये मेल फ्लोवर, ठीक है। आके मतलब बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज की संख्या पांच होती है और पांचों आपस में जुड़े भी होते हैं, ये कोष्ठक का मतलब जुड़ा हुआ होना। इसकी कोरोला की हम बात करें, दलपुंज कितने होते हैं, ये भी पांच होते हैं और ये भी आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। एंड्रोशियम की हम बात करें तो एंड्रोशियम टोटल पांच होते हैं, लेकिन पांचों की कंडीशन क्या होती है, दो प्लस दो प्लस एक ये होती है, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक प्लस दो प्लस दो, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक प्लस दो प्लस दो, ये दो दो है ना, ये भी आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो इनको कोष्ठक में बंद कर दीजिएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और गायनोशियम जीरो होता है, ये होता है आपका नर पुष्प का फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ, जो मैंने दोनों कंडीशन बताई ना, दोनों कंडीशन ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है। तो पुष्प सूत्र आपको नर पुष्प फ्लोर का आपको समझ में आ गया होगा। अब बंदे पुष्प या फिर हम फीमेल फ्लोर की बात कर लेते हैं, इनमें हम बात भी देखिए ईबीआर सहपत्र विहीन होती है, त्रिज्या सममित होती है, और ये फीमेल फ्लोर हो गया, ठीक है, ये साइन फीमेल फ्लोर का हो गया। हम बात करते हैं बाह्य दलपुंज की, इनकी संख्या पांच होती है, पांचों आपस में जुड़े भी होते हैं। बाह्य दलपुंज की हम बात करें तो इनकी संख्या भी पांच होती है, ये भी जुड़े हुए होते हैं। एंड्रोशियम यहाँ पर जीरो होंगे क्योंकि इसके अंदर आपका जो पुंकेसर होता है वो अब्सेंट होता है। गायनोशियम की बात करें तो गायनोशियम थ्री एंड पी होता है, ये भी आपस में जुड़े हुए होते हैं, और अंडाशय की स्थिति होती है आपकी अधोवर्ती, ठीक है, अधोवर्ती होती है। ये आपके नर पुष्प और बंदे पुष्प दोनों हो गए, या फिर मेल और फीमेल फ्लोर हो गए, इनके फॉर्मूले और यहाँ पर हम देख लेते हैं साथ साथ में। देखिए ईबीआर, ये कुछ में बीआर भी होता है, तो ये दोनों दर्शाया गया, ये कौन सा फ्लोर है, मेल फ्लोर है, ठीक है। पहले हम मेल फ्लोर की बात कर लेते हैं, ऊपर लिखा हुआ मेल फ्लोर। इसके बाद में देखिए ईबीआर, ईकेआर के बाद में आपका त्रिज्या सममित हो गया, ये मेल फ्लोर है, और फिर यहां पर आ जाते हैं हम जो केलिक्स होता है उसके ऊपर, इनकी संख्या पांच होती है बाह्य दलपुंज की, देखिए एक दो तीन और ये चार और ये पांच, पांच हो गई, पांचों जुड़े हुए हैं आपस में, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए तो संयुक्त हो गए। कोरोला की हम बात करें, इनकी संख्या भी पांच होती है, ये भी आपस में जुड़े हुए होते हैं, देखिए एक दो तीन चार और पांच, और यहाँ पर देखिए ये जुड़े हुए हैं तो ये संयुक्त हो गए, इनकी संख्या भी पांच होती है। एंड्रोशियम जो होती है इनकी थोड़ी सी स्थिति अलग प्रकार की देखने को मिलती है, ये दो प्लस दो प्लस एक के रूप में होती है, दो ये आपस में जुड़े हुए होते हैं और ये एक स्वतंत्र होता है, तो यहाँ पर दो, यहाँ पर दो और यहाँ पर दो, दो दो चार और ऐसे तो दो छह हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिफरेंट दिखाया गया है। ये स्थिति कैसी होती है आपको बता देता हूं, दो तो ये हो गए ऐसे, दो ये हो गए ऐसे, लेकिन यहां पर क्या होता है एक ही होता है, ये एक ही होता है, ठीक है, ये एक होता है, ये स्थिति देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से टोटल पांच आपको क्या देखने को मिलते हैं, एंड्रोशियम और गायनोशियम जीरो होते हैं। फीमेल फ्लोर की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें ईबीआर
त्रिज्या समित और फीमेल फ्लोर है ये, और कैलिक्स की हम बात करें ये पांच होते हैं, एक दो तीन और चार पांच जुड़े हुए हैं आपस में। कोरोला पांच होते हैं, ये भी आपस में एक दो तीन चार पांच जुड़े हुए देख सकते हैं। एंड्रोसियम जीरो होता है, नहीं होता इसमें। गायनोसियम तीन होते हैं, गायनोसियम की स्थिति जो अंडाशय की स्थिति अधोवर्ती होती है, इनकी संख्या तीन होती है। थ्री एंडपी होता है, ये भी जुड़े हुए होते हैं, देखिए एक दो तीन हो गया बस। और एक ओस्टक होता है, एक ओस्टी होता है। ये हो गए आपकी कौन सी फैमिली, कुकरबिटेसी फैमिली कंप्लीट हो गए। इसका आर्थिक महत्व फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं। सब्जी और फलों के रूप में क्या क्या उपयोग में लेते हैं, देखिए कद्दू जो होता है कुकरबिटा पेपो या कुकरबिटा मैक्सिकाना जिसे कहते हैं, तो इसका उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। लौकी, लेजेनेरिया वल्गेरिस, काली तोरई, काली तोरई लूफा एक्यूटेंगुला, घिया तोरई लूफा सिलेंड्रिका, लूफा सिलेंड्रिका घिया तोरई। खरबूजे की हम बात करें मस्क मेलन, तो इसमें कुकुमिस मेलो हो गया। ककड़ी की हम बात करते हैं कुकुमिस मेलो वैरायटी हो जाएगी उसमें यूटिलिस्मस। तरबूज की हम बात करें वाटर मेलन सिट्रुलस वल्गेरिस। खीरा जिसे हम कुकुम्बर सलाद सलाद के रूप में काम में लेते हैं ना, कुकुमिस सेटाइवा। करेला मेमोरेडिका किरांटिया। टिंडा, देखिए इनके साइंटिफिक नाम आप देख लेना फटाफट से, ये बता देता हूँ। टिंडा हो गया, पेठा ये सब्जी के रूप में हम काम में लेते हैं। परवल चंचीड़ा रामबेल कचरिया फूट कुंद्रा लांकू, ये क्या होते हैं सब्जी के रूप में काम में आने वाली कुकुरबिटेसी कुल के फल हुए। औषधीय पादपों के अंतर्गत आ जाएगा इक्बेलियम इलेटेरियम, इक्बेलियम इलेटेरियम इससे दवाई प्राप्त होती है, इलेटेरियम प्राप्त होती है जो मलेरिया व हाइड्रोफोबिया में लाभदायक है। ब्रायोनिया रोस्ट्रेटा, ब्रायोनिया रोस्ट्रेटा इसका उपयोग दमा व बवासीर में किया जाता है। अन्य उपयोग में देखें तो केरिया अर्बोरिया, केरिया अर्बोरिया जिसकी पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने जो कुकुरबिटेसी फैमिली है वो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। और ये लेक्चर कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको ईएमआरएस पीजीटी के लिए अभी आपको एक स्पेशल प्रकार के मैराथन क्लासेस मिलने वाली है, जिसमें एक ही लेक्चर के अंतर्गत 250-300 क्वेश्चन करेंगे हर टॉपिक के, एक का नहीं हर टॉपिक के 250-300 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो पूरे टॉपिक ऐसे ही कवर करेंगे ईएमआरएस पीजीटी के लिए। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इसके अलावा आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के लिए मॉक टेस्ट भी मैं हर संडे को करवा रहा हूँ, और एनसीईआरटी बायोलॉजी लाइन टू लाइन एमसीक्यू सीरीज में करवा ही रहा हूँ, जिसके अंदर क्वेश्चन और थ्योरी करते ही हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि।